नमस्कार समाचार सुपरफास्ट साथे हूँ छू रिंकल। समाचार की शुरुआत करिए तो राजकोट में पीएचडी प्रवेश परीक्षा मामले एनएसयूआई मैदाने पीएचडी प्रवेश परीक्षा पास थे बाद एक वर्षे मान्यता ने लेने विरोध। आजीवन सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी मान्यता राखवा एनएसयूआई की मांग। बीसी ने खोटी नोट नो हार बनावीने आपवामां आव्यो। सूरत में टू व्हीलर पर कापड़ना पोटला लई जवा माटे लोको थया परेशान। पुलिस की कार्यवाही सामे सांसद सी आर पाटिल ने मळीने रजूआत करवामां आवी। सूरत ने मानवामां आवे छे टेक्सटाइल नुं हब। 3 ऑक्टोबरे गांधीनगर मनपानी चूंटणी योजाशे तेना माटे भाजपे कवायत हाथ धरी। चूंटणी माटे सरकारना 12 मंत्रीओने जवाबदारी सौंपवामां आवी, जेमां वोर्ड दीठ एक एक मंत्रीओने जवाबदारी सौंपवामां आवी। कुल 11 वोर्ड माटे योजाशे चूंटणी। वोर्ड नंबर 11 में 2 मंत्रीओने जवाबदारी सौंपाई। वोर्ड नंबर 1 में जीतू वाघाणी, वोर्ड नंबर 2 में किरीट सिंह राणा, वोर्ड नंबर 3 में ऋषिकेश पटेल, वोर्ड 4 में अर्जुनसिंह चौहान और वोर्ड 5 में हर्ष संघवी ने जवाबदारी सौंपाई। एक लांबा समयगाड़ा पछी फरीथी एकवार विधानसभा अध्यक्षनुं पद कच्छना जनप्रतिनिधिने मळशे। स्पीकर पदे निमाबेन आचार्यनुं फॉर्म रजू करायुं। उपाध्यक्ष पद माटे जेठाभाई भरवाड़नुं फॉर्म रजू करायुं। विधानसभा उपाध्यक्ष माटे योजाई शके छे चूंटणी। कोंग्रेस माथी उपाध्यक्ष माटे भर्यू फॉर्म। अनिल जोशियाराए उपाध्यक्ष माटे फॉर्म भर्यू। बनासकांठाना वावना धारासभ्य गेनीबेन ठाकुरे दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर कृषि यूनिवर्सिटी कुलपतिनी निमणूकना विवाद मामले मुख्यमंत्री ने पत्र लख्यो छे। कृषि यूनिवर्सिटीना विद्यार्थीओ अने खेडूतोना हित माटे तपासनी मांग करी। बनासकांठाना पालनपुरमां डॉक्टर हाउसमां मेडिकल वेस्टनो जाहेरमां निकाल करवा बदल 15 तबीबोने नोटिस फटकारवामां आवी। नोटिसनो योग्य जवाब नहीं मळे तो दंडात्मक कार्यवाही करवानी चीमकी। साबरमती नदीमां प्रदूषण मुद्दे एचसीनो निर्देश। मिरोली पियत मंडळी पाणी नहीं वापरी शके। नदीनुं दूषित पाणी खेती सिंचाई माटे नहीं वापरी शकाय। गुजरात हाईकोर्टनुं महत्वपूर्ण अवलोकन। पाणी नियत मापदंडमां हशे तो ज सिंचाई माटे वपराशे। पीएम जय आयुष्मान योजना अमलीकरण में अमदावाद की गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूटे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर्यु। केन्द्र सरकार आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम में आ बाबत की जाहरात कर। केन्द्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया जाहरात की। बनासकांठा डीसा में अपक्ष महिला नगरसेविका मकान सील कर। सरदार मंडली 8,80,000 न भरता कार्यवाही कर। मंडली में लोन लई 11 वर्ष सुधी पैसा न भरिया आक्षेप। डीसा कोर्टे मिलकत जप्ती करो हुकम। अरवली मेघरजना पीएसआईए वेपारी ने खोटा केस में फसावी देवा धमकी आपी हो वेपारी कर आक्षेप। पीएसआई सहित पुलिस स्टाफे वेपारी की दुकान आग दादागिरी कर दबाण करने प्रयत्न कर वेपारी आक्षेप है। राजकोट मनपा तंत्रनी मोटी कार्यवाही। आवास योजना मकानों चेकिंग। गैरकायदेसर कब्जो करनार ने हटावामां आव्या। कब्जो मेळवी मूळ मालिक ने परत सौंपाया। 50 थी वधु मकानों में कराई कार्यवाही। गैरकायदे तत्वों सामे कार्यवाही थई शके छे। 24 कलाक में राज्य 151 तालुका में वरसाद। सौथी वधु जामनगर जोड़िया में 8 इंच वरसाद। अमीरगढ़ और नखत्राणा में 4 इंच। गणदेवी और उमरपाड़ा में 3.5 इंच। चीखली वलसाड़ अंजार और कपराड़ा में 3 इंच। 6 तालुका में 1 इंच थी वधु वरसाद। राज्य में आवतीकालथी फरी वधशे वरसादनुं जोर। आगामी 4 दिवस भारे वरसादनी आगाही। डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, अमरेली, भावनगर में भारे वरसादनी आगाही। अन्य विस्तारों में गाजवीजनी साथे मध्यम वरसादनी आगाही। दक्षिण गुजरात में छवायो वरसादी माहौल। सूरत में सवारथी ज धीमी धारे शुरू थयेला वरसादे फरी धमाकेदार एंट्री करी छे। नीचाणवाळा विस्तारों में पाणी भराया। द्वारका में वरसादी माहौल। द्वारका में 1 इंचथी वधु वरसाद। वहेली सवारथी ज मेघराजानी एंट्री थता रस्ताओ पर पाणी फरी वळ्या। द्वारकाना ओखा गामे हुसैनी चौक और उद्योगनगर विस्तार में वरसादी पाणी लोकोना घर में घुसी गया छे। वरसाद ने कारणे गंदकीनुं साम्राज्य सर्जायुं। कादव और कीचड़वाळुं पाणी लोकोना घरों में घुसता लोको परेशान। द्वारकाना जामकल्याणपुर तालुका में वरसादी माहौल वच्चे मेघराजानी एंट्री। सारा वरसादना पगले खेडूतों में खुशीनो माहौल। मगफळीना पाक माटे वरसाद काचा सोना समान। द्वारका खंभाड़ियाना ग्राम्य पंथक में छवायो वरसादी माहौल। खंभाड़िया पंथक में वहेली सवारथी ज वरसी रह्यो छे धीमी धारे वरसाद। बनासकांठाना अंबाजी में धोधमार वरसाद। भारे वरसादथी अंबाजी बजार में पाणी भराया। बजार में पाणी भराता वाहन चालको अटवाया। अमदावादना वस्त्राल रिंग रोड पर जता मार्ग पर भूवो पड्यो छे। वाहन चालकोने हालाकी न पड़े ते माटे स्थानिको आव्या आगळ। भूवाने फरते पत्थरो मूकी लोकोने कराया सावधान। राजकोटना रोड रस्ता ने लाग्यू खाड़ानुं ग्रहण। अकस्मात थता रहता होवानो विपक्ष नेतानो दावो। अनेक रजूआतो छतां कामगीरी नथी थती। विपक्ष नेताए आवुं जणाव्युं छे। मनपा कमिश्नरे आपी रोड रिपेरिंग बाहेधरी। अत्यारे लोकोने पड़ी रही छे भारे मुश्केली।
तूटेली कवर नो इलाज छे भरूचना खाड़ा। भरूचना युवके बनाव्यो वीडियो, तंत्र नी कामगीरी नी पोल खोली नाखी छे। खराब रस्ताओनी पण पोल खोली, तंत्र सामे व्यंग करतो वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल। अमदावाद में खाड़ा पूरवानु काम करनारनी साथे घर्षण करनार सामे फरियाद, रखियाल पोलीस स्टेशन में नोंधाई फरियाद। जामनगर कालावाड़ तालुकाना मोटी भगेड़ी गामनो पुल धराशायी थयो। पुल परथी पसार थतो ट्रक फसायो हतो। पुल तूटता ट्रक नदी में खाबक्यो। पुल तूटता कालावाड़थी मोटी भगेड़ीनो रस्तो बंद करायो। सौराष्ट्र में भारे वरसादथी ताराजी फोफड़ नदीना पाणीए वेर्यो विनाश। नदी कांठा विस्तारना अनेक खेतरोमां पाणी घुसी जता गाममां अंदाजे 1000 वीघा जेटला विस्तारमां धोवाण अने पाकनुं नुकसान थयुं छे। समयसर खेडूतोए सहाय माटे करी छे मांग। कांठा विस्तारना अनेक खेतरोमां पाणी घुसी जता गाममां अंदाजे 1000 वीघा जेटला विस्तारमां धोवाण अने पाकनुं नुकसान थयुं छे। समयसर खेडूतोए सहाय माटेनी मांग करी छे। गीर सोमनाथ जिला में मोटा पाये मगफळीनु वावेतर करवामां आव्युं, परंतु हालना दिवसों में पाक ने मुंडा नामनी ईयरनो रोग लागू पड्यो छे, जेना लीधे मोटा भागना खेडूतोने नुकसान जवानी शक्यता छे। खेड़ाना मेमदावादनी 25 वर्षनी परिणीतानो गड़े फांसो खाईने आपघात। सुशिक्षित परिणीता द्वारा लखेली सुसाइड नोट पोलीसे कब्जे करी लीधी छे, जेमां आत्महत्या माटे सासू सस्ता अने पतिनो उल्लेख। उमरेठना भाटवाड़ामां रहेती जलपा हिंगना लग्न 1.5 वर्ष अगाउ मेमदावादना बिल्डर आकाश हिंगूनी साथे थया हता। मृतक परिणीताना शरीर पर ईजाना निशान जोवा मळता तेना परिजनोए सासरी पक्ष पर लगाव्यो छे आरोप। राजकोटना जीवराज पार्क खाते एक शिक्षिकाए गड़े फांसो खाईने पोतानुं जीवन टूंकाव्युं। शिक्षिकाए आ पगलुं केम भर्युं तेनुं तो कोई कारण जाणवा नथी मळ्युं, परंतु तालुका पोलीसे घटनास्थळे पहोंचीने तपास हाथ धरी छे। मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ायेला हेरोइनो कुल आंकड़ो 3004 किलोग्राम थयो छे। डीआरआई नी सत्तावार जाहेरात, अत्यार सुधी में 8 आरोपीओनी धरपकड़। पोरबंदरना दरियामांथी झड़पायेला ड्रग्स मामले आज थशे वधु खुलासा। भारतमांथी कोना तार छे जोड़ायेला तेमज अन्य राज्यमां केवी रीते पहोंचाड़ातुं हतुं ड्रग्स तेनो आजे खुलासो थशे। अमदावाद सोलामा विस्तारमां बन्यो चोरीनो बनाव। पान पार्लरमांथी थई 40,000 ની चोरी। सोला हाईकोर्टे पोलीसे तपास हाथ धरी छे। उपलेटा भंगार बजार में गैस की बॉटल फाटी, फ्रीज ना कम्प्रेसर और गैस की बॉटल फाटता धड़ाका। धड़ाका में 2 व्यक्ति घटनास्थले ज मौत निपजा। उपलेटा फायर ब्रिगेड और पुलिस घटनास्थले। आणंद जिला में शिक्षण में करोड़ों कौभाड। पेटलाद तालुकाना चांगा गामे वाइब्रंट स्कूल नामे एक खानगी स्कूल शुरू करवामां आवी। शाळाए निःशुल्क शिक्षण की बात करीने बाद में संचालकों वालीओना करोड़ों रूपया लईने रफू चक्कर। गुजरात पोलीसे हवे टेक्नोलॉजी पर पोतानी कमर कसी छे। ई गुजकॉप सॉफ्टवेर अने प्रोजेक्ट द्वारा गुजरात पोलीस हवे पेपरलेस काम करशे। पोलीस स्टेशनना अलग अलग रजिस्टरनी माहिती कॉम्प्यूटरनी एक क्लिक थी मळी जशे। भावनगरमां गुम थयेली किशोरीनो मृतदेह मळी आव्यो। थोरडी गामना तळावमांथी शंकास्पद हालतमां मृतदेह मळ्यो। शहेरना चित्रा विस्तारमां रहेती हती 16 वर्षीय किशोरी। 16 સપ્ટેમ્બરે किशोरी गुम थता फरियाद नोंधाई हती। આણંદમાં નાયબ મામલતદાર લાંચ લેતા પકડાયા। ઉમરેઠના કચેરીના નાયબ મામલતદાર લાંચ લેતા ઝડપાયા છે। નાયબ મામલતદાર જેપી સોલંકીએ માંગી હતી લાંચ, 2,25,000ની લાંચ લેતા રંગે હાથે પકડાયા। અમદાવાદના સેટેલાઇટમાં 2 જૂથ વચ્ચે ધીંગાણું, હુમલામાં 2 યુવક ઘાયલ થયા છે। અગાઉની અદાવતમાં 2 જૂથોની વચ્ચે બબાલ, 2 ઇજાગ્રસ્ત યુવકને હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા। અમદાવાદના સેટેલાઇટમાં થયેલા ઘર્ષણનો મામલો, હથિયારોથી થઈ હતી મારામારી, બંને પક્ષોના લોકો સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। હત્યાની કોશિશ અને મારામારી સહિતની કલમો હેઠળ નોંધાઈ છે ફરિયાદ। સુરતમાં બજાર પોલીસ ચોકી નજીક બન્યો અકસ્માતનો બનાવ। ટ્રક ચાલકે બાઇક સવારને અડફેટમાં લેતા બાઇક ચાલકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત। બાઇક પર પાછળ બેસેલા યુવકનો થયો ચમત્કારિક બચાવ। અમદાવાદના એક હેલ્થ વર્કરનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ભારે વાયરલ થયો છે। લોકોએ તેને ખૂબ પસંદ પણ કર્યો છે। વિડીયોમાં સ્વાસ્થ્યકર્મી લોકોને રસી લેવા માટે કરી રહ્યો છે આગ્રહ। અમદાવાદના મ્યુનિસિપલ કમિશનરે સ્વાસ્થ્યકર્મીનું કર્યું સન્માન। ગુજરાતમાં કોરોનાના 26 નવા કેસ નોંધાયા। છેલ્લા 24 કલાકમાં 1 પણ દર્દીનું મોત નહીં, તો સામે 19 દર્દીઓ સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યા। સુરતમાં કોરોનાના 7 કેસ નોંધાયા। અમદાવાદમાં કોરોનાના 5 કેસ નોંધાયા, તો વડોદરામાં 2 કેસ નોંધાયા। અંકલેશ્વરની મંગલમૂર્તિ સોસાયટીમાં શ્વાનનું રેસ્ક્યુ કરવા માટે જહેમત। બંગલાની બારીના શેડ પર ફસાતા તેને ફાયર વિભાગે રેસ્ક્યુ કરવાની કોશિશ કરી, પરંતુ શેડ લપસણો હોવાથી શ્વાન નીચે પટકાયું, જોકે તેનો જીવ બચી ગયો। પીએમ મોદીનો યુએસ પ્રવાસનો આજે 2જો દિવસ, તેઓ ક્વાડની બેઠકમાં ભાગ લેવાના છે। આ બેઠકમાં અમેરિકન પ્રમુખ જો બાઇડન, ઓસ્ટ્રેલિયન પીએમ સ્કોટ મોરિસન અને જાપાનના પીએમ યોશિહિદે સુગા પણ હાજરી નોંધાવશે।
क्वाडनी बैठक में आज घना मुद्दाओं पर थशे चर्चा। चीन वत्ता संकट ने सामे नक्कर रणनीति बनशे। पाक अफगानिस्तान आतंकवाद मुद्दे पर चर्चा थशे। तालिबान अंगे उभा थयेला पड़कार पर पण थशे चर्चा। पीएम मोदी अमेरिका की मुलाकात प्रथम दिवसे पांच दिग्गज कंपनियों सीईओ की साथ मुलाकात की, जेमा एडोब, जनरल एटोमिक्स, फर्स्ट सोलार, ब्लेकस्टोन और क्वालकॉम सामेल। पीएम मोदी ट्वीट करीने कह्युं कि जापान ने भारत सौथी मूल्यवान भागीदारों एक गणाव्युं। भारत और जापान की एक मजबूत मित्रता समग्र विश्व माटे मजबूत रहेशे। कमला हेरिसे भारत रसीकरण की करी प्रशंसा। अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हेरिस साथ बैठक योजी। पीएम मोदी जो बाइडन की साथ करशे द्विपक्षीय चर्चा। पीएम मोदी आज क्वाड सम्मेलन में भाग लेशे। पीएम मोदी अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हेरिस ने साथे बैठक करी। कमला हेरिसे कहू कि भारत पीएम नु स्वागत करी खूब खुशी व्यक्त थी। पीएम मोदी कमला हेरिस ने भारत आववा माटे निमंत्रण पण आप्यु। पीएम मोदी नु ट्वीट। कमला हेरिस ना पराक्रम में समग्र विश्व ने प्रेरणा आपी। अमे बहुविध विषयों विषे बात करी हती जे भारत यूएस की मित्रता ने आगळ वधारशे। जे वैचायेला मूल्यों अने सांस्कृतिक जोड़ाण पर आधारित छे। पुणे में राजाराम फ्लायओवर ब्रिज पायो नाखवामां आव्यो छे। आ प्रसंगे केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र नायब मुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित रहे। दिवस की शुरुआत में भारतीय शेयर बजार रेकॉर्ड सर्जो, जमा भारे उछाड़ा की साथ बजार की शुरुआत थी। प्रथम वक्त सेंसेक्स 60,000 ने पार थयो। जारे निफ्टी में भारे उछाड़ो जोवा मळ्यो। निफ्टी 17,917 ने पार थयो। बेंगलुरु में कांग्रेस नो मोंघवारी मुद्दे विरोध प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पेट्रोल डीजल वधता जता भाव पर घोड़ा पर बेसीने नोंधाव्यो विरोध। मध्यप्रदेश इंदौर में सरकारी तंत्रए गैरकायदेसर बांधकाम पर फेरव्यू बुलडोजर। गैंगस्टर शोहराब पटेल और युनुस पटेल गैरकायदेसर बांधकाम पर चलाव्यू बुलडोजर। दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कार्यक्रम योजायो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में उपस्थित रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पण वर्चुअली हाजर रहा। आयुष्मान भारत योजना गुरुवारे 3 वर्ष पूर्ण थया छे। आ गाळा में योजना हेठळ 2 करोड़ दर्दियों की मफत सारवार थई। तेना माटे रूपया 26,400 करोड़ खर्च करायो। आईआरसीटीसीए वधु 4 श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन दौड़ावानो निर्णय कर्यो छे। पहली स्पेशल ट्रेन 7 नवम्बर थी दिल्ली थी सफदरगंज वच्चे दौड़शे। आ ट्रेन भगवान राम साथे संकळायेला स्थळों दर्शन करावशे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर राजकीय प्रहार कर्या अने सचिन पायलट ने नवा सीएम बनावानी मांग करी। महंत नरेन्द्र गिरी मौत मामले पुलिस हवे हनी ट्रैप की तपास करशे। पुलिस नो दावो छे कि महंत नरेन्द्र गिरी पोतानी सुसाइड नोट में महिला नी साथे वीडियो ने फोटो वायरल करवानी बात नो कर्यो हतो उल्लेख। महंत नरेन्द्र गिरी की मौत पर खुलासो। आनंद गिरी नरेन्द्र गिरी ने हनी ट्रैप की जाड़ में फसाया। सूत्रों ना हवाले थी मड़ी छे आ खबर। आपत्तिजनक वीडियो मार्फते करतो हतो ब्लेकमेल। आगरा में परिषदीय विद्यालय में टीचर्स ने डांस पार्टी नो वीडियो वायरल थयो छे। फिल्मी गीतों पर टीचर्स ने डांस कर्यो छे। वायरल वीडियो बाद टीचर्स पासे जवाब मांगवामां आव्यो छे, जो कि न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करतु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में फटाकड़ा गोडाउन में ब्लास्ट थयो तो 3 लोगों ना मौत निपजा छे। गोडाउन में मोटी मात्रा में फटाकड़ा बनावानो विस्फोटक राखवामां आव्यो हतो। जम्मू काश्मीर उरी सेक्टर में सेना ना जवानों घुसनखोरी कर रहे 3 आतंकियों ने ठार कर। 3 आतंकियों पास थी मोटी मात्रा में हथियारों जप्त कराया। सेना ना जवानों ने 70 हैंड ग्रेनेड, 6 पिस्तौल सामेल तो 3 आतंकियों भारतीय सीमा में घुसनखोरी कर रहा था। समय ठार कर हथियारों सिवाय पाकिस्तान चलन जप्त करायु। बिहार आराम में 2 बाळकोए खुल्लेआम एक महिला थेलामांथी हजारों रूपया छुमंतर कर लीधा। महिला नो थेलो ब्लेड थी कापी तेमां रहेल 16,000 नी नोटो नू बंडल काढ़ी बने फरार थया। मध्यप्रदेश कान्हा नेशनल पार्क ना हाथी एक साथ पिकनिक मनावता देखाया छे। जंगल नी रखेवाड़ी नी साथे लोकों ने प्रवास करावनारा हाथियों माटे त्यां दर वर्षे एक खास कैम्प नू आयोजन करवामां आवे छे। तस्वीरों में 14 हाथियों एक साथ उभेला जोवा मळ्या। जेओने तेमनी पसंद ना फळ अने अन्य चीजों खावा माटे अपाई रही छे। साथ ही हाथियों ने नवड़ावी तेमनी मालिश पण कराई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित केटलाय जिल्लाओं में सतत वरसाद, जेना कारणे लोकोनी मुश्केलियों में वधारो थयो। शिमला, सोलन, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी अने सिरमौर में येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मुशळधार वरसाद बाद ठेर ठेर पाणी भराया, जो कि वरसाद कारणे केटलाक स्थळों पर लोकोने हालाकीनो सामनो करवो पड्यो।
असमना दरांग जिला में दबाण हटावा गयेली पोलिस अने प्रदर्शनकारी वच्चे हिंसक अथडामण, बेना मौत, नव पोलिसकर्मी इजाग्रस्त, देखावकारोए पत्थरमारो करीने तीक्ष्ण हथियारोथी हुमलो कर्यो। दरांग जिलाना ढोलपुर गोरखुटी गाम में दबाण हटावानुं मोटुं अभियान चलावायुं, जेमां 800 लोको बेघर थई जता स्थानिको बेकाबू बन्या। घटनाना वीडियो सामे आव्या बाद एसपीए तपासना आदेश आप्या। महाराष्ट्रना थाणेना डोंबिवली विस्तार में सगीरानी साथे हैवानी हती, 29 लोकोए आचर्यु दुष्कर्म, अत्यार सुधीमां 2 सगीर सहित 26 नराधमोनी पोलीसे करी धरपकड़। हरियाणाना सोनीपत में एक मोटी दुर्घटना बनी, सोनीपत में एक स्कूलनी छत धराशायी थई, 3 क्लास में भणता 27 बाळको इजाग्रस्त थया, 3 मजदूरो पण काटमाळमां दबाया। पंजाबना नवा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी डांस करता नजरे पड़ा है। पंजाबना कपूरथला विस्तार में डॉक्टर बी आर आंबेडकर म्यूजियम ना उद्घाटन कार्यक्रम में स्टेज पर डांस करता नजरे पड़ा। वेलकम बैक समाचार सुपरफास्ट में आगळ वात करिए तो देश में कोरोना ना केस में सतत घटाड़ो नोंधायो छे। छेल्ला 24 कलाक में 31,382 नवा केस नोंधाया तो 318 दर्दीओना मौत निपजा, 32,542 दर्दीओ कोरोनाथी रिकवर। केरल में कोरोना ना केस में घटाड़ो नोंधायो छे, छेल्ला 24 कलाक में 19,582 नवा केस नोंधाया छे तो सामे 152 वधु लोकोए जीव गुमाव्यो छे। राज्य में कोरोना ना 1,60,000 थी वधु एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना ना नवा 836 केस नोंधाया, 15 दर्दीओना कोरोना थी मौत निपजा, कर्नाटक में हाल में 13,000 थी वधु एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना ना 1,745 नवा केस नोंधाया, 27 दर्दीना मौत निपजा, हाल में अहीं 17,000 थी वधु एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में कोरोना 48 नवा केस नोंधाया, छेल्ला 24 कलाक में एक पण दर्दीनो मौत नथी निपजू, दिल्ली में हाल में 433 एक्टिव केस। विश्व में कोरोना वायरस ना कुल 23,13,00,000 थी वधु केस नोंधाया छे, अत्यार सुधी में 47,42,000 थी वधु लोकोना मौत तो 20,80,00,000 थी वधु लोको रिकवर। अमेरिका में कोरोना वायरस ना कुल 4,35,00,000 थी वधु केस नोंधाया, अत्यार सुधी में 7,00,000 थी वधु लोकोना मौत, 3,30,00,000 थी वधु लोकोए कोरोना ने मात आपी। ब्राजील में कोरोना वायरस ना कुल 2,13,00,000 थी वधु केस, 5,93,000 थी वधु लोकोना मौत, 2,03,00,000 थी वधु लोको रिकवर। रशिया में कोरोना वायरस ना कुल 73,54,000 थी वधु केस, कोरोना ना कारणे 2,00,000 थी वधु लोकोनो भोग लेवायो, 65,58,000 थी वधु लोकोए कोरोनाने मात आपी। फ्रांस में कोरोना ना कुल 69,77,000 थी वधु केस, अत्यार सुधी में 1,16,000 थी वधु लोकोए जीव गुमाव्या, 66,96,000 थी वधु लोकोए कोरोनानी सामे जंग जीती। इंग्लेंड में घर बैठा सामानोनी डिलीवरी करावानो ऑप्शन लोकोने पसंद पड़ी रह्यो छे, घर सुधी सामान पहोंचाड़नारा हरता फरता रोबोट बनावामां आव्या, अमेरिकी कंपनीए स्टारशिपे आ रोबोट बनाव्या। स्टारशिप कंपनीए ब्रिटननी केटलीक सुपरमार्केटनी चेननी साथे मळी ट्रायल शुरू करी छे, कैमेरा अने सेंसर्सथी लेस रोबोट वगर अटके रस्ता पर दौड़ता नजरे पड़्या। रोबोट में सामान चोरी करवो पण अशक्य छे कारण के ते लॉक होय छे। कंपनीना यूके हेड मुजब कोरोनाना कारणे लागू प्रतिबंधों में ढील मळ्या बाद पण तेमना रोबोटनी डिमांड ओछी नथी थई। रशियानी राजधानी मॉस्को में 70 वर्षना वृद्धाए एक बेग स्नेचर्स ने भणाव्यो पाठ, जो कि पोलीसे ते 22 वर्षना युवकनी धरपकड़ करी लीधी, जो कि युवकनी तेना मित्रोनी साथे शरत लागी हती जेने लईने तेणे वृद्धनुं पर्स खेंचवानी कोशिश करी हती। स्पेनना अंदालुसिया प्रांत में मुशळधार वरसादे केटला विस्तारों में ताराजी सर्जी दीधी, केटला विस्तारों पाणी में डूबी गया, चो तरफ पाणी ज पाणी जोवा मळ्युं, लोकोनुं घर बहार निकळवुं पण भारे पड्युं। युक्रेन अने नाटो देशोना सैन्य अभ्यासनी वच्चे रशियाना ओरनबर्गमां वधु एक मोटी मिलिटरी डील शुरू थई छे, जेमां भारत सहित एससीओ एटले के शांघाई सहयोग संगठनना 8 देशोनी सेना शामिल। आ अभ्यासनो हेतु आतंकवाद ने मळीने डामवानो छे, परंतु दृश्य एवा सर्जाय के जाणे युद्धनी तैयारीओ पारખવામાં આવી રહી હોય। अभ्यास में रॉकेट लॉन्चरनो पण उपयोग कराय। आ अभ्यास में वायुसेनानी ताकात पण पारખવામાં આવી, जंगी हेलिकॉप्टर आकाशथी मिसाइल छोड़ता देखाया, साथे ज गोळीओ वरसावता पण लड़ाकू विमानोथी दुश्मनोना ठेकाणे बॉम्ब वरसावानो अभ्यास पण करायो। स्पेनना ला पाल्मा द्वीप पर फाटेलू ज्वाळामुखी छोड़ी रह्यु छे झेरीली गेस, जेने लईने लोकोने श्वास लेवामां तकलीफ, जो कि ज्वाळामुखी फाटे ते पहेला आखो विस्तार खाली करावायो। ज्वाळामुखी रोजना 8,000 થી 10,500 टन सल्फर डायोक्साइड गैस ओकी रह्यो छे, जेने लईने लोकोना जीव पर जोखम तोड़ावानी नौबत आवी पड़ी। ला पाल्मा द्वीप पर फाटेलो ज्वाळामुखीनो लावो अत्यार सुधीमां विस्तारनी 185 इमारतोने खाक करी चूक्यो छे, तो ज्वाळामुखीने चेक करवा माटे इमरजन्सी टीम चेक करवा माटे पहोंची।
ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબર્નમાં ભૂકંપના જોરદાર ઝટકા મહેસૂસ કરાયા. કેટલાય વિસ્તારોમાં વર્ષો જૂની ઇમારતોને પહોંચ્યું નુકસાન, તો કેટલોય કાટમાળ સડક પર ધસી પડ્યો. રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 5.8ની. જે સ્થળો પર મકાનો તૂટી પડ્યા ત્યાં તંત્રએ બેરિકેડિંગ કરી રસ્તા બંધ કરી દીધા છે. તેમ છતાં કેટલાક લોકો ભૂકંપની ભયાનકતાનો ચિતાર બતાવતા દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ કરતા જોવા મળ્યા. ઇંગ્લેન્ડની કમ્બ્રિયામાં બ્રિટિશ રાજ પરિવારના પ્રિન્સ વિલિયમ પત્ની કેટ મિડલટન એક એડવેન્ચર ટ્રેનિંગ સેન્ટરનું રીઓપનિંગ કર્યું છે. આ બહાને તેઓએ પણ એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સમાં હાથ અજમાવ્યો છે. આ ટ્રેનિંગ સેન્ટર બ્રિટિશ વાયુસેનાની એક સંસ્થાનું છે અને કેટ તે સંસ્થાની ઓનરરી એન્ડ એર કમાન્ડન્ટ છે અને કેટ પહાડો પર સાયકલ ચલાવી તો પહાડો પરથી દોરડાના સહારે પણ ઉતર્યા હતા. આ કાર્યક્રમ મારફતે ડચીસ ઓફ કેમ્બ્રિજે રમત પર જોર આપ્યું અને બ્રિટિશ વાયુસેનામાં ભરતી થવા પર ટ્રેનિંગ લેનારાઓને પ્રોત્સાહિત પણ કર્યા. દક્ષિણ અમેરિકી દેશ આર્જેન્ટિનાની રાજધાની બ્યુનસ આયર્સમાં સેંકડો લોકો રોજગારની માંગણી સાથે રાષ્ટ્રપતિ ભવનની સામે એકઠા થયા અને આખા વિસ્તારને બેનરો અને પોસ્ટર્સથી ભરી દીધો. સરકાર વિરુદ્ધ વિરોધ વ્યક્ત કરી લોકોએ હાથોમાં કાળા અને લાલ ઝંડા બતાવતા જોવા મળ્યા. દાવો કરાયો કે રોજગારની સાથે તેઓ બોનસની સુવિધાઓ અને રજાઓના મુદ્દે સરકારની નીતિઓનો વિરોધ કરવા માટે એકઠા થયા હતા. કેટલાક લોકો બેન્ડવાજાની સાથે અહીં પહોંચ્યા હતા. તેઓએ દાવો કર્યો કે સરકારને નીંદમાંથી ઉજાગર કરવા માટે આ બંધ કર્યું છે. બીજી તરફ રાષ્ટ્રપતિ ભવન બહાર કેટલાય જવાનો સુરક્ષાના કારણોસર જોવા મળ્યા. યુરોપના હોલેન્ડમાં રેલવે ક્રોસિંગ પાર કરવાની કોશિશમાં એક મહિલા ટ્રેન સામે આવી ગઈ. આખી ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. પોલીસ મહિલાની કરી રહી છે શોધખોળ, જેથી તેની વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી શકાય. સુરત ચોક બજારમાં ગાંધીબાગની પાછળ ભરાતા તિબેટીયન બજારને ખસેડવા મનપાની કવાયત. તિબેટીયન બજાર હવે અડાજણમાં ભરાશે. પૂરતા પ્રમાણમાં સ્ટોલ બનશે કે કેમ તેની અસમંજસ વચ્ચે વ્હીકલ પાર્કિંગનો મોટો પ્રશ્ન. સાંસદ નારણ કાછડિયાના આક્ષેપો પર નીતિન પટેલનો જવાબ. રાજ્યભરમાંથી એમપી એમએલએ કામ માટે મળવા આવતા હોય છે. કાછડિયાએ શા માટે મીડિયામાં મુદ્દો ઉછાળ્યો તે નથી જાણતો. જવાબ આપતા સમયે નીતિન પટેલ ભાવુક થયા. નીતિન પટેલે વધુમાં કહ્યું કે નારણભાઈને ખબર હોવી જોઈએ કે સિંચાઈ વિભાગની કામગીરી મારી પાસે નથી. સૌની યોજના એ સિંચાઈ વિભાગની કામગીરી છે. મારી પાસે નાણાં વિભાગ હતો ત્યારે જરૂર પડે ત્યાં નાણાં આપ્યા. મહેસાણામાં કરેલી વાતનો ઉલ્લેખ બે દિવસ પછી કેમ કર્યો તેને લઈને નીતિન પટેલે કર્યો સવાલ. કહ્યું કે સેંકડો લોકો ઘણા પ્રકારની બદલીઓ માટે આવતા હતા. હવે હું આરોગ્ય મંત્ર નથી એટલે રેકર્ડ નથી. ફતેપુરાના ધારાસભ્ય રમેશ કટારાની વિધાનસભાના દંડક તરીકે નિમણૂક થતા કાર્યકરોમાં ખુશીની લહેર. ગાંધીનગરથી વતન સુખસર આવતા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ઢોલ નગારા અને ફુલહારની સાથે ભવ્ય સ્વાગત. રાજકોટના વીરપુરમાં ત્રણ તળાવોમાં ગાબડા પડવાથી ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધારો. માલધારીઓ ખેડૂતો માટે જીવાદોરી સમાન છે તળાવો. ખેડૂતોએ તળાવનું સમારકામ કરવાની માંગણી કરી. કચ્છના ખેડૂતો મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના મેળવવા માટે મક્કમ છે. અપૂરતા વરસાદથી પાક નિષ્ફળ જતા મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજનાનો લાભ આપવા માટે કરી માંગ. રાણપુર તાલુકામાં થોડા દિવસથી વરસાદી ઝાપટા અને ઝાકળની પરિસ્થિતિને લઈને જીડવામાંથી બહાર નીકળેલ કપાસનો પાક ફેલ થયો છે. તેમજ તલના પાકમાં પણ નુકસાન થયું છે. મગફળીમાં પણ આવી શકે છે નુકસાન. રાજ્ય સરકાર પાસે ખેડૂતોની માંગ. સરકાર કેનાલમાં પાણી છોડે અને રવિ પાકનું વાવેતર થાય તેવી ખેડૂતોએ માંગ કરી. છોટાઉદેપુરમાં ભારે વરસાદને લઈને બોડેલી તાલુકાના ખેડૂતોને ખેતીમાં ભારે નુકસાની. ફરી વરસાદને કારણે નુકસાની થતા ખેડૂતોમાં ચિંતા. કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ ખેડૂતોને વળતર મળે તેવી તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી. સૌરાષ્ટ્રમાં અતિવૃષ્ટિને લઈને જયેશ રાદડિયાનું નિવેદન. રાજકોટ જિલ્લા સહકારી બેંક મોરબી અને રાજકોટ જિલ્લાના ખેડૂતોને વહારે આવ્યા. મંડળીનું ધિરાણ ભરતા હશે તેવા ખેડૂતોની જમીનનું ધોવાણ થયું હશે તેવા ખેડૂતોને 1 લાખ રૂપિયા સુધીની 0% વ્યાજે લોન આપવામાં આવશે. 3 વર્ષ માટે આ લોન આપવામાં આવશે. રોડ પર ખાડાની ફરિયાદના નવતર પ્રયોગને જોરદાર સમર્થન મળ્યું છે. 12 કલાકમાં મળી છે 7,000 ફરિયાદ. 1 જ દિવસ અગાઉ વોટ્સએપ નંબર જાહેર કરાયો હતો. ફરિયાદ જવાબદાર અધિકારીઓને પણ મોકલવામાં આવશે. વડોદરામાં રોડ રસ્તાની સ્થિતિ વણસી ગઈ છે. વિવિધ માર્ગોના ડામર કોન્ક્રીટ ઉખડી ગયા છે. રાહદારીઓને પડી રહી છે ભારે હાલાકી. સ્થાનિકોએ ખરાબ રોડ રસ્તા રિપેર કરાવવાની માંગ કરી. ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદને પગલે રોડ રસ્તાને ભારે નુકસાન. સોનગઢ અને નાસિકને જોડતા નેશનલ હાઈવેનું ધોવાણ. અમદાવાદમાં એએમસી બાદ હોટેલમાં પણ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ બતાવવું ફરજિયાત. હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ એસોસિએશને આ નિર્ણય લીધો છે. તમામ ફૂડ આઉટલેટ માટે પણ આ નિયમ લાગુ કરાયો. રસીકરણની મેગા ડ્રાઈવ બાદ હવે રાજ્યભરમાં આપકે દ્વાર આયુષ્માન મેગા ડ્રાઈવ શરૂ. કાર્યક્રમનું ઋષિકેશ પટેલે લોકાર્પણ કર્યું. રાજ્યભરમાં લાખો કુટુંબોને પીએમ જય માં કાર્ડનો લાભ મળશે.
पीएमजे मां कार्डने लाभार्थियों सुधी पहुंचाड़वा 3-4 महीना मेगा ड्राइव चालशे। राज्यना गरीब अने जरूरियातमंद लाभार्थियों आरोग्य सेवाओं निःशुल्क लाभ मळशे। तो समाचार सुपरफास्ट में अत्यारे बस आटलू ज। वधु समाचार माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। नमस्कार।